गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जो है होता क्या उसको समझोगे। वेन डायग्राम में कुछ फ्रूट का नाम दिया हुआ रहता है तो उसको सर्कल से डिनोट करना रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ स्टेट का नाम दिया हो, कुछ लेटर का नाम दिया, कुछ वर्ड का नाम दिया हो, है ना, तो वर्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन दिए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल क्या दिया हुआ, फर्स्ट नंबर एग्जांपल है रांची की है, झारखंड की है, बिहार की है। सबसे पहले आपको ये समझना है रांची झारखंड, रांची क्या झारखंड के अंदर है, ये रांची हुआ, ये वाले झारखंड हुए, और ये वाले क्या हुए, बिहार हुए। आंसर कंप्लीट हो जैसे फर्स्ट हुआ। सेकेंड नंबर अगर मैं बोलूँ सपोज इंडिया दिया हुआ है, ठीक है, अब सपोज दिल्ली दिया हुआ है, अब सपोज रांची दिया हुआ है। अब ये देखोगे रांची का दिल्ली से तो कोई रिलेशन नहीं हुआ, तो रांची पार्ट अलग हो गए, दिल्ली अलग हो गए, ये पार्ट तो समझ गए। अब दोनों किसके अंदर हुआ, इंडिया के अंदर हुआ, कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ फ्रूट का नाम भी दे सकता है। थर्ड एग्जांपल जाना चाहते हो, अगर बोलता है डेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है ना, तो डे मंथ ईयर। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले क्या होता है, डे होता है, ईयर डे बने, डे जो है किसके अंदर होता है, मंथ के अंदर होता है, ये मंथ हुए, और ईयर जाते हो तो ये वाले पार्ट क्या हुए, ईयर हुए। यहाँ तो कंप्लीट हो गए। तो अब ध्यान हो गया, हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक का डिटेल, ये तो बेसिक पार्ट हुए जो आप लोग सब लोग सही कर लोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज देखोगे वेन डायग्राम, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप वन और एक होता है टाइप टू। दोनों टाइप से आपका 5+5 टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइप वन से भी 5 क्वेश्चन आएगा और टाइप टू से भी 5 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे टाइप वन, क्या स्टार्ट कर रहे टाइप वन। टाइप वन होता क्या है, इसमें जैसे कि एक फिगर सबसे पहले मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, फिगर। फिगर है दिया हुआ, ये तीन सर्कल मैंने बनाए। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या नाम दिया, स्टूडेंट, यहां पर नाम दिया आर्टिस्ट। ठीक है, और ये वाले पार्ट को नाम दिया प्लेयर। यहाँ तो समझ गए। अब क्या होता है, सब कुछ नंबर देता हूँ, सपोज सपोज मैंने नंबर दिए, यहाँ पर दिया 41, 27, 36, 23, 21, 19, 70, बस। यहाँ तो समझ गए, तीन फिगर दिया हुआ, पहला फिगर ये वाले फिगर क्या डिनोट कर रहा है, ये वाले फिगर जो डिनोट कर रहा है स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये वाले फिगर किसको डिनोट कर रहा है, आर्टिस्ट को, और नीचे वाला किसको डिनोट कर रहा है, प्लेयर्स को। यहां तक समझ गए। अब ध्यान दोगे, सबसे पहले स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या आएगा, 41 आएगा, 23 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अगर मैं आर्टिस्ट की बात करता हूँ तो आर्टिस्ट में 27 आएंगे, 19 आएंगे, 17 आएंगे और 21 आएंगे। प्लेयर की बात करते हो तो 36 आएगा, 23 आएगा, 17 आएगा और 21 आएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ओनली स्टूडेंट की बात होती है, तो ओनली स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, वैसे स्टूडेंट जो ना तो क्या हो आर्टिस्ट हो ना ही प्लेयर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर
हू आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर सिंगर, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। तो यहाँ पर शब्दों में सबसे पहले वैसे स्टूडेंट बताओ जो क्या हो, ना तो आर्टिस्ट हो ना ही क्या हो प्लेयर हो। इसका मतलब ये हुआ प्लेयर वाला पार्ट के अंदर क्या आंसर आएगा, 41 आएगा, ओनली 41। 41 क्या है, तो ये जो है ओनली स्टूडेंट को डिनोट करता है, ठीक है। इसके आंसर क्या होंगे, जिसका आंसर जाते हो तो आंसर होगा 41, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर मैं बोलू, सेकंड नंबर बोलता है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर स्टूडेंट नॉर आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ना तो क्या स्टूडेंट है ना ही क्या है आर्टिस्ट है। प्लेयर की बात करता हूं तो सिंपल सा बात है, यह वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया, प्लेयर को नोट कर रहा है। तो कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ना तो स्टूडेंट हो ना ही क्या आर्टिस्ट हो, आंसर क्या होगा, बताओ। आंसर होगा 36, क्या आंसर होगा, आंसर 36। यहां से समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली प्लेयर्स की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ओनली प्लेयर्स, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है, ओनली स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया सिंपल पार्ट। थर्ड नंबर जाता हो तो थर्ड नंबर बोलता है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर बोथ प्लेयर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर के साथ साथ क्या हो स्टूडेंट हो, इसके लिए क्या करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर अगर जानना चाहते हो तो आंसर के लिए क्या करेंगे, तो आर्टिस्ट भी हो प्लस प्लेयर भी हो प्लस स्टूडेंट भी हो, मतलब ऑल द थ्री। इसका आंसर जाओगे तो क्या होगा, 70, क्या आंसर होगा, 70। यहां तक समझ गए। अब ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत आसान होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओनली स्टूडेंट की बात करता है, तो ओनली स्टूडेंट कितने हुए, 41। उसी तरह ओनली प्लेयर की बात करेगा तो क्या आंसर होगा, 36। उसी तरह ओनली आर्टिस्ट की बात करेगा तो क्या होगा, 27। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या बोलता है, तीनों होना चाहिए, मतलब आर्टिस्ट भी होना चाहिए प्लेयर भी और स्टूडेंट भी, तीनों अगर जाती हो तो क्या आंसर होगा, 17। ये तो हो गया सिंपल पार्ट। अब हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले बताओ ये तीन क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों का सही होता है, आप लोग का भी हो सकता सही हो, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ वही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ बोलता क्या है उसको समझोगे। फोर्थ, हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर्टिस्ट, ठीक है। फिफ्थ नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, ठीक है। सिक्स नंबर, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर
इधर क्लियर नॉर्थ स्टूडेंट्स। अब ये तीन क्वेश्चन आपके पास, ये तीन क्वेश्चन को बढ़िया से समझो कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके पास है ना, ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोर्थ नंबर। हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर्टिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे प्लेयर खोजो जो क्या हो, आर्टिस्ट भी हो। तो उसके लिए क्या करोगे, इसके लिए याद रखोगे प्लेयर और आर्टिस्ट की बात होती है तो प्लेयर और आर्टिस्ट ये वाले पार्ट जाता हूँ, तो इसमें 21 तो होगा क्योंकि 21 में क्या है, प्लेयर भी है और आर्टिस्ट भी है। लेकिन एक चीज याद रखोगे, इसमें हम लोग ये पूरा ग्रुप खोलेंगे, ये वाले पार्ट प्लेयर और आर्टिस्ट की बात होती है तो 21 तो मेरा कंफर्म होगा, इसके साथ ही साथ 17 भी होगा, इसको खाली ध्यान में रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 21 प्लस 17 व्हिच इज इक्वल टू 38। ठीक है, प्लेयर और आर्टिस्ट समझ लो, प्लेयर आर्टिस्ट की बात होती है तो प्लेयर और आर्टिस्ट 21 तो मेरे कंफर्म होंगे, लेकिन इस ग्रुप में मेरा 17 भी क्या है, 17 स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं 17 को भी लूंगा, ये भी मेरे कंफर्म होंगे। उसी तरह टिक नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, इसका आंसर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्या होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट क्लियर की बात होती है तो स्टूडेंट ये क्लियर ही है, दोनों पार्ट हुए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट कंफर्म लेंगे, ये वाले पार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 क्या स्टूडेंट क्लियर, 23 प्लस 17 व्हिच इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 40। सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर क्लियर नॉन स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो क्या होना ना तो क्लियर होना ही स्टूडेंट तो, मतलब ओनली आर्टिस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 27। यहां तक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद मैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन जाता हूं, सेवेंथ नंबर अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन समझोगे, इसमें बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली आर्टिस्ट, बस इसका मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए नंबर बी नंबर सी नंबर और डी नंबर। ए नंबर ऐसे स्टूडेंट आर्टिस्ट का बात करता है तो ऑप्शन है आपका 36 17 19 20। ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे आप लोग ट्राई करना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्या बोलता है, ओनली आर्टिस्ट। ठीक है, कितने स्टूडेंट है जो केवल क्या है, आर्टिस्ट है। ठीक है, अब ध्यान दोगे आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आपका होगा, घर पे अपने से पहले एक बार सोच लेना फिर आंसर देखना। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली आर्टिस्ट, ओनली मतलब क्या होता है मालूम है, ओनली मतलब होता है वैसे स्टूडेंट जो केवल क्या हो, कलाकार हो, कलाकार हो मतलब क्या हो, तो वो इसका मतलब ही हो गया क्या, स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट बट नॉट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्यों, तो ओनली वर्ड यूज कर दिया तो प्लेयर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जाते स्टूडेंट आर्टिस्ट की बात होता है तो 19 तो मेरे होंगे, 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप 1।
आगे बढ़ता हूँ। टाइप वन में एक और क्वेश्चन आता है, उसको समझोगे। जैसे एक फिगर दिया हुआ है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, एक सर्कल लिया और एक क्या लिया, स्क्वायर लिया। यहां तक समझ गए? अब ध्यान दोगे, तीन फिगर नोट होता है। क्या करता हूं, सबसे पहले तीनों फिगर को मैं उस वर्ड का नाम देता हूं। जैसे सपोज ये वाले पार्ट ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, आर्टिस्ट को, ठीक है। सर्कल किसको शो कर रहा है, एम्प्लॉय पर्सन को, ठीक है। और स्क्वायर किसको शो कर रहा है, फिर से समझते। यहां पर मैं तीन फिगर लिया हूं, कौन कौन सा फिगर लिया हूं, एक ट्रायंगल लिया, एक सर्कल लिया और एक क्या लिया, स्क्वायर लिया। ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, ट्रायंगल आर्टिस्ट को शो कर रहा है। अगर आर्टिस्ट के अंदर जाना चाहते हो तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले 43 आएगा, 15 आएगा, 11 आएगा और 17 आएगा। यहाँ तो कंप्लीट हो गए। एम्प्लॉयड पर्सन की बात करते हो तो 11 होगा, 17 होगा, 29 होगा, 23 होगा। ये सारे जो सर्कल के अंदर सारे चारों नंबर हुए क्या हुए, एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर क्या नोट कर रहा, रूरल एरिया को, मतलब ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसे मान लेते कौन कौन से हुए, 15 हुए, 11 हुए, 23 हुए और 37 हुए। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है, इससे मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। ये क्या हुआ, इम्पोर्टेंट ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देता हूँ। ओनली आर्टिस्ट की बात करते हैं तो ओनली आर्टिस्ट में आंसर होगा 43। केवल रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं, आंसर होगा 37। केवल एम्प्लॉयड पर्सन की बात होती है तो क्या होगा, 29। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। सबसे पहले एक चीज स्टार्ट करो, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी आर्टिस्ट, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर एम्प्लॉयड who belongs to urban area, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देता है हाउ मेनी एम्प्लॉयड पर्सन आर, हाउ मेनी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप लोग को टाइप वन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप टू। टाइप टू, टाइप टू होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जैसे मान लेते हैं झारखंड दिया है, बिहार दिया, इंडिया दिया हुआ है, तो इंडिया के अंदर क्या है, झारखंड भी है और एक बिहार भी है। उसी तरह आप लोग को क्या है कि कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, कुछ फ्रूट नेम दिए रहेंगे, कुछ लेटर भी दे सकता है ना। तो उसको आपको ये देखना रहता है कौन सा किस सर्कल के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप टू स्टार्ट करने के पहले एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट क्या है उसको समझोगे। तीन स्टेटमेंट होते हैं, कितने स्टेटमेंट होते हैं, थ्री स्टेटमेंट्स। ये तीन स्टेटमेंट के बेस पर टाइप टू बनता है। देखो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कंसेप्ट जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखोगे थ्री स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है उसको पहले समझो। जैसे फर्स्ट नंबर बोलता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बोला, तो ऑल ए आर बी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पार्ट ए हुआ और ये बी किसके अंदर है, तो बी के अंदर है। तो ऑल ए आर बी मतलब पूरा ए जो है किसके अंदर है, बी के अंदर है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट बोलता है सम ए आर बी, और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है नो ए इज बी। अब सबसे पहले सेकंड का फिगर देखोगे, सम ए आर बी बोला मतलब ये हुआ कि ए का कुछ भाग कहाँ पर है, बी के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए हुआ और ये वाले पार्ट क्या हुए, बी हुए, और ये वाले जो शेडेड पार्ट है इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें ए और बी दोनों मिला हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर बोलता क्या, नो ए इज बी मतलब ए और बी दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, नहीं है। तो ये ए हुआ और ये बी हुआ। यहाँ तक समझ गए? अब कोई भी क्वेश्चन आप लेते हो तो आपको बस ये देखना है कि उसमें ऑल का केस बनेगा, सम का केस बनेगा या नो का केस बनेगा। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटा छोटा भी एग्जांपल देखेंगे, उसको पहले समझोगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग दो दो वर्ड लेके चल रहे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ऑल का केस बन रहा है, सम का केस बन रहा है या नो का केस बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे दो वर्ड लेता हूँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जैसे मैंने लिए सपोज ये क्रो लिया, ठीक है। अब क्रो के बाद क्या करता हूँ, जैसे ये क्या है, तो ये सपोज एनिमल लिया। अब ये बताओ क्रो क्या है, क्रो एक बर्ड है और एनिमल क्या है, एनिमल डिफरेंट पार्ट हुए, तो इसमें क्या केस लगेगा, तो इसमें जाओगे तो नो का केस लगेगा। ये क्रो का एक सर्कल बनेंगे, एनिमल का अलग सर्कल बनेगा। सेकंड नंबर जैसे बोलता है, सेकंड देखोगे जैसे मान लेते हैं फादर दिया और सपोज मैंने दिया स्टूडेंट। अब ये बताओ फादर दिए हैं तो फादर क्या है, स्टूडेंट के अंदर होगा या नो लगेगा। ये दो पार्ट है तो इसमें जाओगे तो फादर और स्टूडेंट दोनों डिफरेंट पार्ट हुए क्या, नहीं। ऑल फादर्स आर स्टूडेंट हो सकता कभी, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या बनेगा, सम का केस बनेगा। तो क्या बनेगा, तो सम फादर्स आर स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ गए? जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे फादर हो जो पीएचडी का पढ़ाई कर रहे हो या फिर डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहे हो, तो इस केस में क्या बनेगा, तो सम फादर्स आर स्टूडेंट बनेंगे। तो सम फादर आर स्टूडेंट्स बनता है, तो ये वाले पार्ट फादर हो गए और ये वाले पार्ट क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। सम फादर्स आर स्टूडेंट। थर्ड नंबर चलते हैं तो थर्ड अगर बोलता है मैंगो लिया, फ्रूट लिया,
तो मैंगो फ्रूट क्या है? तो मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। तो ये वाले पार्ट मैंगो किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर होगा। फोर्थ नंबर जाते हो, सपोज यहाँ पर जाते हैं तो पेट लिए और एनिमल लिए। अब ये बताओ पेट एनिमल, तो ऑल एनिमल्स आर पेट कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। नो एनिमल इज पेट, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें जाओगे तो, इसमें जाओगे तो सेम एनिमल्स आर पेट। यहाँ तक समझ गए? तो सम एनिमल्स आर पेट है, तो ये वाले पार्ट क्या बने? तो ये वाले पार्ट मेरे बनेंगे एनिमल हो गए, और ये वाले पार्ट क्या होंगे? पेट होंगे। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग क्या करते, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो दो दो वर्ड के हुए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तीन तीन वर्ड का। वही आपका क्वेश्चंस है, जैसे तीन वर्ड का मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जिसमें आप लोग को ये देखना कौन सा पार्ट किधर जाएगा। जैसे सिंपल सा से स्टार्ट करता हूँ, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, जैसे कैट लिया मैंने, डॉग लिए और पैट लिया। कैट डॉग पैट, अब तीन वर्ड आपके पास है तो आपको ये देखना होगा कैट और डॉग दोनों का कोई रिलेशन है क्या? दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये कैट बने और ये वाले डॉग बने। यहाँ तक कंप्लीट हो गए? नो कैट इज डॉग। अब पैट की बात करते हो तो ये बताओ सभी डॉग क्या पैट है क्या? नहीं है। तो इस कंडीशन पे जाओगे तो सम डॉग्स आर पैट, तो सम डॉग्स आर पैट है, तो ये वाले पार्ट डॉग को पैट के अंदर कर देंगे सम में। लेकिन जब सम डॉग्स आर पैट हो सकता है तो सम कैट्स आर पैट भी हो सकता है। तो सम कैट्स आर पैट, यहाँ तक समझ गए? तो ऐसा डॉग और कैट को टच करो जो दोनों को टच करते हुए पैट बने। तो ये वाला पार्ट जाओगे तो इस तरह से बनाओगे तो ये वाले क्या बनेंगे? पैट बनेंगे। अब देखो ये वाले पार्ट क्या हुए, तो ये वाले पार्ट जो मेरे हुए सम डॉग्स आर पैट, ये वाले पार्ट, ये फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट बनेगा। सेकेंड नंबर क्या बोलता है? सम कैट्स आर पैट, तो ये वाले पार्ट जाओगे तो ये सेकेंड बनेगा, सम कैट्स आर पैट। तो इसका जो है फिगर यही बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है मदर वुमेन डॉक्टर, है ना? तो मदर वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ पर ये सोचोगे कि मदर वुमेन डॉक्टर है तो कौन मदर क्या है? तो सिंपल सी बात है, ऑल मदर्स आर वुमेन, सही है? तो इसमें क्या बोलोगे आप लोग? ऑल मदर्स आर वुमेन, है ना? तो ऑल मदर्स आर वुमेन बोलते हो तो इसका फिगर क्या बनेगा? तो ये मदर हुई, ये वाले पार्ट क्या हुए? वुमेन हुए। यहाँ तक क्लोज हो गए। अब ये बताओ डॉक्टर की बात होती है तो ऑल मदर्स आर डॉक्टर, सही है क्या? ऑल मदर्स आर डॉक्टर कभी नहीं हो सकता, सब मदर्स आर डॉक्टर होंगे। अब इस तरह से आपको समझना है कि डॉक्टर को मैं कहाँ रखूँ कि सही होगा। तब आप ही लोग बताओ, अगर मैं बोलूँ इस तरह से रखने सही होगा, ये मदर हुए वुमेन हुए और ये वाले पार्ट डॉक्टर हो गए। तो देखो ऑल डॉक्टर्स आर वुमेन सही तो नहीं है, तो ये वाले रॉन्ग आंसर होंगे। तो डॉक्टर की बात करते हो तो सब मदर्स आर डॉक्टर और सब वुमेन्स आर डॉक्टर, मतलब कुछ ऐसी औरत है जो डॉक्टर हो परंतु वो मदर नहीं हो। तो सब मदर्स आर डॉक्टर, सब मदर्स आर डॉक्टर, यहाँ तक समझ गए? तो सब मदर्स आर डॉक्टर, तो ये फिगर तो सही है, लेकिन ऑल डॉक्टर और वुमेन ये तो गलत है। तो इस कंडीशन पर जाओगे तो ये वाले पार्ट इसको टच करते हुए ये डॉक्टर बनेगा।
अब ये देखो ऑल मदर्स आर वुमेन, अब ये कुछ मदर क्या डॉक्टर है और कुछ वुमेन जो मदर नहीं है वो भी डॉक्टर है। यहाँ तक समझ गए? तो ये वाले पार्ट को समझोगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है थर्ड नंबर बोलता है स्टूडेंट आर्टिस्ट प्लेयर। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि वैसे स्टूडेंट जो आर्टिस्ट के साथ साथ क्या हो प्लेयर हो, मतलब तीनों प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, तो उस तरह का फिगर जाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये वाले पार्ट बनेंगे। ये स्टूडेंट हुए, ये प्लेयर हुए और ये क्या हुए आर्टिस्ट हुए। क्यों? तो ये वाले पार्ट जो मेरे हैं, ये वाले पार्ट सम स्टूडेंट्स हु आर प्लेयर्स आर ऑल्सो आर्टिस्ट। यहाँ तक समझ गए? जब भी आपको लगे कि वैसा व्यक्ति जो तीनों प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, सीधे ये फिगर कर देना। जैसे फोर्थ नंबर जाते हो, फोर्थ नंबर अगर सपोज बोलता है पॉलिटिशियन इकोनॉमिस्ट स्कॉलर, अब ये क्वेश्चन पे तो सिंपल सी बात है कि जब ऐसा देगा तो आपको सोचना है कि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिस्ट भी हो और इसके साथ ही साथ क्या हो डॉक्टर भी हो। यहाँ तक समझ गए? जैसे सम पॉलिटिशियन हु आर स्कॉलर आर ऑल्सो ए क्या होगा इकोनॉमिस्ट, तो ये वाले पॉलिटिशियन बनेंगे, ये वाले स्कॉलर बनेंगे, ये वाले क्या बनेगा इकोनॉमिस्ट बनेगा। फोर्थ नंबर हो गए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोलता है? फिफ्थ नंबर बोलता है अगर सपोज जैसे मैंने दिया अर्थ, क्या दिया अर्थ, अर्थ के बाद सपोज मैंने दिए माउंटेन, एक और दिए फॉरेस्ट। अब ये बताओ सारे माउंटेन क्या है, तो अर्थ के अंदर है। यहाँ तक सही है? और सारे फॉरेस्ट भी क्या है अर्थ के अंदर है। तो इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जाते हो तो ए नंबर ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये माउंटेन, ये दोनों ऑप्शन एक बी नंबर ऑप्शन है ये वाले पार्ट। अब आपको समझना है कि दोनों में कौन सा आंसर सही होगा। ऑल माउंटेन्स आर इन अर्थ, सही है। ऑल फॉरेस्ट आर इन अर्थ, अब ये बताओ माउंटेन फॉरेस्ट का रिलेशन है या नहीं है। तब इस कंडीशन पे जाओगे तो सम फॉरेस्ट आर इन माउंटेन होगा, सम फॉरेस्ट आर इन माउंटेन। यहाँ तक समझ गए? तो सम फॉरेस्ट आर इन माउंटेन होगा, तो ये वाले फॉरेस्ट होगा, ये वाले माउंटेन होगा और ये वाला क्या होगा अर्थ। ये आंसर सही हो जाएगा, ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स नंबर बोलता है
सिक्स नंबर क्वेश्चन बोलता है, जैसे अगर मैं बोलूं इंजीनियर्स, यहां तक समझ गए। फिर मैं एक और वर्ड लेता हूं एजुकेटेड, ठीक है, इंजीनियर एजुकेटेड, और एक लेता हूं बिल्डर। अब ये सोचो आपके मन में क्या सवाल आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं ऑल इंजीनियर्स आर एजुकेटेड, ठीक है, तो ऑल इंजीनियर्स आर एजुकेटेड है, इसका फिगर क्या बनेगा, तो ये इंजीनियर होंगे, ये वाले एजुकेटेड होंगे। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कंप्लीट। अब आप बिल्डर की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, सम बिल्डर्स आर इंजीनियर एंड ऑल्सो एजुकेटेड, सम बिल्डर्स आर इंजीनियर, सम बिल्डर्स आर इंजीनियर हु आर ऑल्सो एजुकेटेड, यहाँ तक समझ गया, या इंजीनियर में ही एजुकेटेड आ जाता है, अभी मैंने बताया। तो सम बिल्डर्स आर क्या होगा, इंजीनियर, तो सम बिल्डर्स आर इंजीनियर, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट जाओगे तो ये क्या होगा, बिल्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ, ये तो हो गया सिक्स नंबर, इसका सेवन्थ जाते हैं, तो सिंपल है, इस बार आप लोग डिसाइड करना। जैसे अगर मैं बोलूं पैट, पैट लिया, बर्ड लिया, एनिमल लिया, एनिमल्स, अब दिमाग लगाओ आप लोग, बर्ड और एनिमल का रिलेशन में क्या बनेगा, नो, तो नो बर्ड इज एनिमल, नो क्या बनेगा, नो बर्ड्स आर एनिमल्स, ठीक है, तो नो बर्ड्स आर एनिमल है, तो ये वाले बर्ड हुए और ये वाले क्या हुए, एनिमल हुए, यहाँ तक सही है। अब आप पैट की बात करते हो, तो सम बर्ड्स आर पैट और सम एनिमल्स आर ऑल्सो पैट, तो ये वाले पार्ट जो मेरे बनेंगे ये हो जाएगा पैट, ठीक है, क्यों, तो सिंपल सी बात है, कुछ बर्ड्स को भी आप पैट करते हो, जैसे पैरट वगैरह पैट एनिमल हुए, उसी तरह एनिमल्स भी पैट होते हैं। एट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, एट नंबर क्वेश्चन बोलता है सन मून स्टार, अब आप लोग पढ़े होंगे सन क्या है, तो सन एक स्टार है, सन इज ए स्टार, पढ़े हो ना, तो ये वाला सन हुआ, ये वाले स्टार हुए, अब मून क्या है, तो मून डिफरेंट पार्ट, तो ये क्या होगा, मून हो जाएगा। आगे बढ़ू, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, नाइन्थ बोलता है, नाइन्थ अगर बोलता है सपोज डे मंथ ईयर, ये आसान सा क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले क्या होता है, डे होता है, तो ये डे बनेगा, किसके अंदर होता है, मंथ के अंदर होता है, और ये ईयर के अंदर होता है, डे मंथ ईयर, नेक्स्ट चले टेंथ नंबर की ओर जाते हो, तो टेंथ जैसे क्वेश्चन दिए हुए, रोज फ्लावर फ्रूट, अब ये बताओ रोज फ्लावर फ्रूट दिया, तो रोज क्या है, एक फ्लावर है, तो ये वाले पार्ट रोज हुए, ये वाले फ्लावर हुए, अब फ्रूट क्या हुआ, अलग हो गया,
तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप लोग कोई भी वर्ड दो उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले क्या देखोगे, तो ऑल का केस बनेगा या सम का केस बनेगा या नो का केस बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रोज क्या है, तो रोज एक फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर रोज हो गया। अब फ्रूट क्या है, तो वो डिफरेंट पार्ट हुए, तो वो अलग हो जाएगा। अभी आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जैसे इधर 4 इधर 5, 9 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जैसे मान लेते हैं अगर मैं बोलूँ फादर मदर स्टूडेंट, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, टोटल 10 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करना, पहले ये टोटल 10 क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करोगे, घर पे क्या करना, अपने से पहले फिगर ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कितने, आप लोग खुद चेक कर लेना कितने सही हुए और कितने गलत हुए। सबसे पहले ये देखोगे, अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल, यही ना बोला, तो डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल है। सबसे पहले ये बताओ, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, डॉक्टर भी होता है और नर्स भी होता है। तो फर्स्ट का आंसर जाओगे, लेकिन डॉक्टर नर्स का काम तो नहीं कर सकता ना, तो फर्स्ट का आंसर जाओगे तो ये डॉक्टर बने, ये नर्स बने और ये हॉस्पिटल बने। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गए, सही है। सेकेंड नंबर बोलता है फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच भी होता है, तो ये वाले फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ और ये क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ, कंप्लीट हो गए। थर्ड बोलता है किचन हाउस गार्डन, अब ये देखो किचन क्या है, हाउस के अंदर होता है, बेडरूम क्या है, हाउस के अंदर होता है ना, ड्राइंग रूम भी हाउस के अंदर होता है, लेकिन गार्डन क्या है, तो गार्डन हाउस के बाहर होता है। तो ये वाले किचन हुआ, ये वाले हाउस हुए और ये वाले क्या हुए, गार्डन हुए, ये थर्ड का आंसर हुआ। फोर्थ नंबर जाते हैं, तो फोर्थ क्या बोलता है, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोम्बस मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, समचतुर्भुज। तो रोम्बस जो है, सबसे पहले ये देखो, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन, अगर मैं एक अलग से क्वेश्चन दूं 11th नंबर, पहले इसको समझो, अगर मैं बोलूं स्क्वायर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, अब ये बताओ स्क्वायर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, सो पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों क्या डिफरेंट पार्ट हुए, तो इसका जो आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल होगा और ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, सही है। तो उसी तरह यहाँ पर जाते हो तो रोम्बस में भी 4 साइड होते हैं, तो रोम्बस क्वाड्रिलेटरल, तो रोम्बस में क्या होगा, तो ये वाले पार्ट जाते हो तो ये रोम्बस बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा और ये क्या बनेंगे, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा हो, ठीक है। फिफ्थ नंबर बोलता है फादर मदर स्टूडेंट, जैसा कि अभी तुरंत मैंने बताया सम फादर्स आर स्टूडेंट, उसी तरह सम मदर्स आर क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो फिफ्थ का आंसर जाते हो तो ये क्या होगा, फादर होगा, ये वाले पार्ट क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे
ये वाले पार्ट क्या होंगे, मदर होंगे, सम फादर्स आर स्टूडेंट, उसी तरह सम मदर्स आर स्टूडेंट। सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, दिल्ली श्रीलंका एशिया, तो दिल्ली क्या है, श्रीलंका से डिफरेंट पार्ट हुए, तो ये दिल्ली होगा, ये श्रीलंका होगा, और दोनों क्या है, तो एशिया के अंदर का पार्ट हुआ। सिक्स नंबर बोलता है क्रिकेटर फुटबॉलर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, क्रिकेटर फुटबॉलर, सम स्टूडेंट्स आर क्रिकेटर एंड ऑल्सो है क्या होगा, फुटबॉलर, तो सिंपल सी बात है, कुछ स्टूडेंट क्रिकेटर के साथ साथ क्या होता है, फुटबॉलर भी होता है ना, तो इस कंडीशन पर जाओगे तो ऐसा बात, जो तीनों लोग काम करे तो सिंपल, ये स्टूडेंट हुए, ये वाले क्रिकेटर हुए, और ये वाले फुटबॉलर हुए, ये पार्ट बनेगा सम क्रिकेटर आर फुटबॉलर, ये वाले सम स्टूडेंट्स आर फुटबॉलर, और ये वाले पार्ट क्या होगा, तो तीनों पार्ट काम किया हो। एट नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्राइज पुलिट्जर ऑस्कर, पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो एक, पुलिट्जर क्या होता है, एक प्राइज होता है एक तरह का, पुलिट्जर किसके लिए होता है मालूम है, जर्नलिस्ट लोग के लिए होता है, और ऑस्कर किसके लिए होता है, तो फिल्म से रिलेटेड होता है ना, तो पुलिट्जर और ऑस्कर दोनों क्या हुआ, डिफरेंट पार्ट हुए, और दोनों क्या हुआ, प्राइज के अंदर हुआ, तो ये पुलिट्जर हो जाएगा, ये ऑस्कर हो जाएगा, ये वाले प्राइज हो जाएंगे, ये फिगर बनेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब आते हैं दो क्वेश्चन मेरे पास और बचे, जैसे क्रिमिनल थीप जज, सिंपल सी बात है, सबसे पहले कोई चोरी करता है, चोरी करने के बाद वो क्या करता है, वही बड़ा होकर के क्या बनता है, क्रिमिनल बनता है, और जज क्या हुए, डिफरेंट हुए, तो ये क्रिमिनल होगा, ये वाले रुको, सबसे पहले क्या होगा, थीप, यही बड़ा होकर क्या बनेगा, क्रिमिनल, और ये वाले क्या बनेंगे, जज। यहाँ तक सही है। अब नाइन्थ नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर मैन एक्टर, अब समझोगे, तो कुछ आदमी डॉक्टर है वो तो सही है, सम मैन और डॉक्टर एंड ऑल्सो ए एक्टर, तो नाइन्थ का आंसर के लिए क्या करोगे, नाइन्थ का आंसर के लिए करोगे सम मैन who is doctor are also actor, है ना, तो सिंपल सी बात है, ये वाले पार्ट डॉक्टर, ये वाले मैन, ये वाले एक्टर, है ना, और ये वाले स्टार जो दिया मैंने यही स्टार बन जाएगा। सब मैन who is doctor और also a क्या होगा, एक्टर। अब ध्यान दोगे, यह हो गया बेसिक पार्ट, वेन डायग्राम का टाइप वन और टाइप टू दोनों क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब यहां इतना करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे सबसे ज्यादा गलती किस क्वेश्चन में होता है, तो सिंपल सी बात है, दो फिगर, जैसे एक ये फिगर हुए और एक ये फिगर हुआ, ये दो फिगर हुए और एक तीसरा क्या हुआ, ये फिगर हुआ, यही तीन क्वेश्चन में ये ए नंबर, ये बी नंबर और ये सी नंबर, ये तीन क्वेश्चन है, यही तीन फिगर में सबसे ज़्यादा गलती होगा। तीनों क्वेश्चन का जैसे अगर मैं बोलूँ, अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया और उसका फिगर बनाया, अब आपके पास क्या है, तीन फिगर दिए हुए, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, ये तीनों फिगर को आपको क्या करना है, इसके फिगर के बेस पर क्वेश्चन बनाने हैं। आप लोग का ये होमवर्क होगा कि तीनों का एक एक एग्जाम्पल जो मैं बताया हूँ उससे नहीं बनाने हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ बनाने हैं।
ऐसा क्वेश्चन बनाना, तीन ठो वर्ड लेना जो ये तीनों को फुलफिल करे। ए के लिए अलग क्वेश्चन, बी के लिए अलग क्वेश्चन, सी के लिए अलग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन में क्या है, तो सिंपल सी बात है, अब डिफरेंस की बात होती है। इस पे यहाँ पर स्टार दिया मैंने, ये स्टार क्या है, ये स्टार तीनों को शो कर रहा है। इसमें भी ये जो स्टार है ये क्या, तीनों को शो कर रहा है, लेकिन इसमें एक ऑल का केस बन रहा है, ये वाले पार्ट। लेकिन इसमें ऑल का केस बना क्या? ए और बी फिगर को देखोगे, ए नंबर बी नंबर फिगर में एक ऑल का केस बन रहा है, ठीक है। ऑल ये जो छोटा सर्कल है ये बड़ा सर्कल का अंदर है, लेकिन इसमें ऑल का केस नहीं बना। दोनों स्टार क्या शो कर रहा है, वैसा पर्सन जो तीनों प्रोफेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि यही तीन फिगर ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों की गलती होती है। अब तीनों का एग्जाम्पल कैसे लेता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट का। फर्स्ट नंबर में बस सिंपल याद रखना कि वैसा आदमी जो तीनों काम करे, फर्स्ट का आंसर क्लोज हो गए। सेकंड का आंसर के लिए जाओगे तो वैसा आदमी जो तीनों काम तो करे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऑल का केस भी बने, और इसमें क्या है, सब सम का केस बने। इसमें क्या है, सम का केस बनना चाहिए। इसमें क्या, कम से कम दो को आपस में एक ऑल का केस बनना चाहिए, कोई भी दो। जैसे ये दोनों ऑल का केस बन रहा है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट ऑल का केस बन रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लेता हूँ फादर मेल, एक सपोज प्रोफेशन ले लेता हूँ इंजीनियर, है ना। तो सिंपल है, ये वाले पार्ट फादर बनेंगे, ये वाले पार्ट मेल बनेंगे, ऑल फादर्स आर मेल, क्या बनेगा, ऑल फादर्स आर मेल, कंप्लीट हो गए। अब ये देखो इंजीनियर की बात होती है तो सम फादर्स आर इंजीनियर, तो सम मेल आर इंजीनियर हु आर नॉट फादर, तो यहां पर क्या बनेगा, सम फादर्स आर इंजीनियर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या बनेंगे, सम मेल आर इंजीनियर बट नॉट फादर, ये वाले पार्ट। ये जैसे सिंपल सी बात है, ये स्टार है, ये क्या, सम फादर आर मेल हुआ इंजीनियर, है ना। ये वाले पार्ट क्या बनेंगे, ये वाले पार्ट, ये जो पॉइंट दिया हूँ ये पॉइंट क्या बनेंगे, सम मेल आर इंजीनियर हु आर नॉट फादर, यहाँ तक समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात होती है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बात है, अगर मैं बोलूं मैन डॉक्टर फादर, है ना, तो ऑल फादर्स आर मैन, ये गलत होगा, इसको समझोगे, ऑल फादर्स आर मैन, तो ऑल फादर्स आर मैन तो नहीं है ना, तो ये गलत है, तो यहां पर मुझे दूसरा लेना होगा, सम मैन हु आर डॉक्टर आर ऑल्सो आर्टिस्ट, यहां तक समझ गए। ये मैन होगा, डॉक्टर होगा और ये आर्टिस्ट होगा। अब सी नंबर की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं फादर ब्रदर्स मेल, सिंपल यहां देखोगे सम फादर्स हैव ब्रदर्स, क्या होगा, सम फादर्स हैव ब्रदर्स,
तो सम फादर्स है ब्रदर्स, तो ये वाले पार्ट फादर हुए, ये वाले ब्रदर हुए, ये वाले पार्ट को समझोगे। सम फादर्स है ब्रदर्स, ऑल फादर्स आर मेल, ऑल ब्रदर्स आर मेल, तो ये वाले कंप्लीट हो गए। सिंपल सी बात है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैन डॉक्टर आर्टिस्ट दिया मैंने, तो कुछ सम मैन हु आर डॉक्टर आर आल्सो आर्टिस्ट, पहला क्लोज हो गए। बी नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ऑल फादर्स आर मेल, सारे फादर मेल हुए। और इंजीनियर की बात करता हूं, तो कुछ फादर और मेल क्या है, ये वाले पार्ट इंजीनियर हुए। सी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फादर ब्रदर्स, कुछ फादर ऐसे होते हैं जिसका ब्रदर हो, तो सम फादर्स आर ब्रदर्स, बोथ आर आल्सो मेल। यहाँ तक समझ गए, तो आप लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे बनाओगे, इसी का आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे दो क्वेश्चन आपके पास और है जो आपका होमवर्क होगा, जैसे फर्स्ट नंबर है, इसका मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है समझोगे, होमवर्क फर्स्ट प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, ये क्या होता है, इसका मीनिंग जाओगे तो इसका मीनिंग हो गया लाभ, इसका होता है लाभांश, इसका मतलब होता है बोनस। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, मदर विडो, विडो समझते हो गए, वुमेन सोचना इसको, ऑल मदर्स आर वुमेन, ऑल विडो आर वुमेन, मैं हिंट्स दे दिया, अब आपको देखना मदर और विडो में क्या डिफरेंस है, कोई रिलेशन है या नहीं है। ये सेकंड का ऑप्शन हुआ, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इसका बिना आप लोग घर पे सोचना कैसे फिगर बनाओगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डॉग एनिमल पैट, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, वेल फिश एक और वर्ड लेता हूं, फिफ्थ नंबर टैडपोल फ्रॉग स्नेक, इसमें एक लेता हूं वेल फिश, एक और वर्ड सपोज मैं ले लेता हूं टॉर्टवाइज, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन आपके पास है, ये पांचों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका घर पे क्या करना, आप लोग पांचों का इंडिविजुअल फिगर ट्राई करोगे, ठीक है। चलो थैंक यू।